पिछले कुछ महीनों से मंजुश्री नाम के एक बैंक द्वारा 300 से ज्यादा लोगों को लूट कर उन्हें गुमराह करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पीड़ितों ने पाचपावली पुलिस स्टेशन में मदद की गुहार भी लगाई। फिर भी पुलिस द्वारा नागरिकों की फिरियाद को अनदेखा किया गया, जिसके बाद पीड़ितों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। पैसे व गहनों को सुरक्षित रखने के लिए आम जनता का बैंकों पर अटूट विश्वास होता है, पर तब क्या जब बैंक ही लोगों को उनके पैसे वापस ना दे। ऐसी ही एक घटना सामने आई है, जहां मंजुश्री नाम की एक बैंक द्वारा लोगों को गुमराह कर उनके पैसे लूट लिए गए। 14 महीने से बंद मंजुश्री बैंक द्वारा 300 से अधिक लोगों से लाखों रुपए ऐंठे गए, जिसके बाद पीड़ितों द्वारा बड़ी आशा के साथ पाचपावली पुलिस स्टेशन में मदद की गुहार लगाई गई थी, लेकिन फिर भी पुलिस द्वारा किसी तरीके की मदद पीड़ितों को नहीं मिली। पीड़ितों ने संस्था से संपर्क करने के प्रयास भी किए, लेकिन संस्था के कर्मचारियों द्वारा पैसे वापस करने के झूठे आश्वासन दिए गए। स्थिति में पीड़ितों ने अपनी व्यथा बताई। मेरे पैसे 12-15 हजार रूपए 14 महीने से घूम रही हूँ। कभी ये यहाँ बैंक कर लेता है, कभी वहाँ बैंक करता है, कभी कपालचौक बोलता है, कभी ये मार्ग कभी राहुल से। ये 4-5 महीने मतलब ये 14 महीने से घूम रही हूँ उसके पीछे। अगले महीने फ़ोन करेंगे आपको, वो महीने में फ़ोन करेंगे, हमेशा बोलते पर टला देते, पैसे देने का नाम नहीं है। आई थी मैं कार्रवाई बोलने के लिए कि तो रिपोर्ट लिए ही नहीं, बोले डायरेक्ट ये बोलते कोर्ट का मामला है, पुलिस का हाथ है। हाँ, वो पुलिस को खाई है कुछ ना कुछ, जब भी हमारा रिपोर्ट लेती हूँ। किसी के 53 हजार है, किसी के 1 लाख का भी ऊपर है, किसी के 70-80 हजार है, ऐसे करीबन नहीं है, लॉक लगा है पूरा उनके अंदर बैंक में। सर, माझे नाम ज्योति रवि मोंडेकर है। माझ्या पैसा बँकेत 12 हजार रुपये फसले आहे। बँकेत 14 महिने झाले, त्यांना पैसे मागत आहे तर ते परत द्यायला नाकारत आहे। आधी हो म्हणे 15 दिवस थांबा, 1 महिने थांबा, 2 महिने थांबा, असंच टाईम देत आहे। जेव्हा आपण गेलो तर म्हणते मॅनेजर नाही आहे किंवा इच्छा मोठा साहेब नाही आहे, किंवा असे बोलू बोलू ते हे करून राहत। आता म्हणत आहे की बँकच बंद करून ठेवले आहे, पैसे देत नाही। फोन केला तर म्हणते तुम्ही हे करा तर तुमच्यावर 420% असताना तुम्हाला अंदर टाकून देईन, किंवा मला येते धमकी देते। मला आम्हाला म्हणे पैसे मागितले तर म्हणे पासबुक जमा करा, दुसरी पासबुक देतो। आम्ही म्हटलं नाही, आमचे पैसे परत करा, त्याच्यानंतर तुम्हाला पासबुक मिळेल। बँक इच्छा तिथे बदलवत असते, तक्रार केली तिथे पण म्हणते की बँकचा मॅटर हा पोलिसामध्ये नाही आहे। त्यांनी पैसे मागितले तर घरी बोलवून त्यांनी मारलं आणि पोलीस केसला कंप्लेंट टाकली तर त्यांनी म्हटलं तिथे पैसे देऊन हे केलं। आणि पोलीस वाले म्हणते की 420 केसमध्ये तुला अंदर करीन, तुला असं काही केलंच नाही। ते म्हणत आहे की 1.5 महिना थांबा, तुमचं काही होईल, अशीच आश्वासन देत आहे। नंतर मग तिकडून जाऊन हप्ता वसूल करा, मग म्हणणार की काहीच नाही होऊ शकत बँकेचं।